अभी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है आईएमडी का, जो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर के लिए पूरा कंट्री के लिए, उसमें हमारा जो प्रेडिक्शन है 96% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू फॉर द कंट्री एज ए होल। अभी स्टेट वाइज तो प्रेडिक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारा एक अपडेट आएगा जून के फर्स्ट वीक के एंड में, तो उसमें जो डिफरेंट होमोजीनियस रीजन्स के लिए है उसके लिए आएगा। सेंट्रल रीजन में हमारा स्टेट आता है गुजरात स्टेट, तो वो प्रेडिक्शन मे बी बाई 10th June आ जाएगा, तो उसमें हमको पता लगेगा कितना रेनफॉल होगा। अभी लेटेस्ट जो सिनारियो है मॉनसून जो है आईएमडी के प्रेडिक्शन के मुताबिक केरला में लैंड हुआ है बाई 30th of May दिस मंथ। अभी सो फार इनका मॉनसून का जो प्रोग्रेस है वो अच्छा ही है, इवन हम लोग जो गुजरात स्टेट में जो हमको थोड़ा रेनफॉल मिल रहा है, यू नो दैट सौराष्ट्र एंड सम एरियाज ऑफ साउथ गुजरात एंड नॉर्थ गुजरात, दिस इज़ नॉट मॉनसून रेनफॉल, ये प्री मॉनसून रेनफॉल है, लेकिन अच्छा शुरुआत हुआ है। और हम जो विंड पैटर्न जो है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया, पहले जो अप्रैल मई में जो विंड जो नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रहा था वो पूरा चेंज हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि विंड साउदर्ली या साउथ वेस्टर्ली हो रहा है, एंड विंड ये जो साउदर्ली या साउथ वेस्टर्ली विंड का जो डेप्थ है ये काफ़ी ऊपर तक पहुँच रहा है। सो दिस इज़ ए वेरी गुड इंडिकेशन फॉर गुड मॉनसून टू स्टार्ट विथ। और गुजरात में जो मॉनसून का ऑनसेट होता है ये यूजुअली 3rd week ऑफ जून में होता है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय दैट टाइम मॉनसून आ जाए पहुँचेगा गुजरात। अभी क्लाइमेटोलॉजिकली अगर देखा जाए तो साउथ गुजरात में, हमारे स्टेट में साउथ गुजरात में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो हम जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल धीरे धीरे घट जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी ऐसे ही होगा। साउथ गुजरात में जो एरियाज है या कोस्टल सौराष्ट्र उसमें भी पहले अच्छा बारिश होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसे अराउंड 800 mm रेनफॉल होता है पूरा स्टेट एज ए होल। तो अगर हमारा जो आईएमडी के हिसाब से दो मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन है, एक है गुजरात रीजियन और दूसरा है सौराष्ट्र एंड कच्छ। गुजरात रीजियन में जो एवरेज रेनफॉल होता है इट्स अराउंड से 800 mm और सौराष्ट्र एंड कच्छ में अराउंड 500 mm होता है। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली बाई 3rd week ऑफ जून मानसून का ऑनसेट हमारे स्टेट में हो जाना चाहिए। आज अपने राज्य कक्षा की प्री मॉनसून मीटिंग माननीय मुख्य सचिव श्री की अध्यक्षता में लेवा आवी हती, जेमा राज्य सरकार ना जुदा जुदा विभागों ना सचिवशी हाजिर था, ने साथ साथ केन्द्र एजेंसीज ने केन्द्रीय एजेंसीज गुजरात में जो वड़ाओ है ये हाजिर था। अने खास करीने जे समग्र राज्य माटे जे मॉनसून जे सीजन जे हवे शुरू केरला में जे रीते आईएमडी ना डायरेक्टरशीए कीधु छे के केरला में 29 અને 30 મે थी शुरुआत थी छे, ने जे 12 થી 15 જૂન वच्चे साउथ दक्षिण गुजरात में आवशे, तो आपणे आ मॉनसूननी प्रिपेरनेस समग्र राज्य में तमाम नगर तमाम जिल्लाओं में व्यवस्थितपणे थाय, जेथी करीने कोईपण जातनी नुकसान न थाय ए तमाम तकेदारी दरेक विभाग राखी शके एनी चर्चा विचारणा करवा माटे आवी हती। अने खास करीने जे कम्युनिकेशन प्लान छे अने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान छे समग्र विभागनो तमाम विभागोना जे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान छे खूब अद्यतन लेटेस्ट एकदम अद्यतन रहेवू जोईए, जेथी करीने गमे त्यारे ज्यारे जरूर पड़े त्यारे जे ते विभाग द्वारा कारवाई करी शकाशे। साथ साथ केन्द्रीय एजेंसीसना जे आर्मी एरफोर्स नेवी कोस्टगार्ड NDRF अने CRPF VSF आ बदाना अने IMD उपरांत CWC पछी ISRO SSC आ बदा एजेंसीसना अधिकारीशो हाजर था। अने केम के पूर जेवा वक्ते बने राज्य सरकारनी संस्थाओ जिला तंत्र द्वारा અને સાથે સાથે આર્મી નેવી અને એરફોર્સ કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા પૂર રાહત બચાવની કામગીરી વ્યવસ્થિતપણે દરેક વિસ્તારમાં થઈ શકે એના માટે એ લોકોના જે પણ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાનની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી, અને તકેદારીના ભાગરૂપે NDRFની આગોતરા આયોજન માટે પૂર તૈયારી માટે જે ટીમો છે એ સુરત અને અમરેલીમાં ગયા વર્ષની જેમ રાખવા માટે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી।